वैष्णो देवी के लिए कौन इलेक्शन करा था? देखो उसके बाद हमारे पति का बर्थडे भी है। लुक लाइक अ स्कूल गर्ल, नकली पल के लगने वाली है। एक वो सुअर वाला आता था पायल सूर्य, यार पायल ना बहुत ही बड़ी ना सच में बड़ी कामचोर है, अपनी नेल्स दे रहा है आगे। सो जाप निंदिया की ओर बढ़ चल गुड़िया रानी। देखो हाथ से पता करना है कौन सा बच्चा कौन सा। मेरे सुंदर बाबू लशनिया, मैं आदमियों के हाथ पकड़ के बताऊं कौन सा किसका है। थोड़ा दिखाते रहे इधर। कह रही है इस उंगली पे नेल्स करा दो। ये तो स्टोन उतारने की कोशिश कर रहा है नेल्स में से। ओए गंदी लड़की, चीकू तू सो जाने पिटेगा भाई। ये लो बेटा, डोंट फाइट डोंट फाइट। हाथ के नेल्स पूरे कंप्लीट हो गए। जैद ने उठ के ना तकिया रख दिया आयान के मुंह के ऊपर कि पायल को टीबी हो गया है। जब मेरी प्रेगनेंसी के बाद मुझे बहुत ज्यादा कफ था ना तो मैंने। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप ये सोच रहे होंगे कि आज इतनी लेट वेलकम बैक क्यों किया। आज इतनी लेट वेलकम बैक इसलिए किया है क्योंकि हम लोग गए थे शूट पे, शूट से अभी फ्री हुए हैं और कल हमें जाना, जैसे आप सबको पता है हमें जाना वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी जाने के लिए हमने बहुत सारी तैयारियां करनी थी, वो रह चुकी हैं, वो करेंगे हम थोड़ा और लेट। लेकिन उससे पहले देखो, लड़की हूं तो थोड़ी ग्रूमिंग जरूरी है, तो ग्रूमिंग में हमने आईलैश और नेल्स कराने हैं। तो आईलैश और नेल्स आपको पता ही होगा अगर हम करवा रहे हैं तो कहां से करवा रहे हैं और किससे करवा रहे हैं। तो द वन एंड ओनली दीक्षा मेकओवर्स, तो दीक्षा आ चुकी है और फटाफट से क्विक जो है काम करवाते हैं उनसे और फिर आपको दिखाती हूं अपनी। अभी नेल्स की हालत देख लो क्या है, काफी टाइम से जो है नेल्स में कुछ नहीं कराया, आईलैश में भी कुछ नहीं कराया, तो सोच रहे हैं थोड़ा ट्रिप पे जा रहे हैं तो थोड़ा सुंदर सा बन जाए। तो गाइस मेरे भी हाथ देख लो, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये लगा लो हमने अपनी ना ओपीआई की नेल पेंट भी मंगवा के रखी हुई है। पालो मैंने एक बार तो पानी लगा ली थी, मैं तो एक बार भी नहीं लगाई, मतलब टाइम ही नहीं है कि ग्रूमिंग। अगर एक्सटेंशन हो जाते हैं तो हो जाते हैं, पावर पॉलिश हो जाती है तो हो जाती है, बट आज सोचा कोई पावर पॉलिश नहीं कराएंगे, कुछ मतलब अच्छे से एक्सटेंशन कराएंगे क्योंकि यार वैष्णो देवी जा रहे हैं। चीकू पापा हमें बोल रहे हैं वैष्णो देवी के लिए कौन नेल एक्सटेंशन कराता है, मैं लड़कियां कहीं के लिए भी करा सकती है, उनको अगर घर से बाहर जाना हो तो। देखो उसके बाद हमारे पति का बर्थडे भी है, उसके बाद और भी एक चीज है, और भी एक चीज है घर में, मैं बताने वाली थी तूने पहले बता दिया, जागरण भी है घर में। तो हमने सोचा कि बाद में हमें आने के बाद टाइम मिले ना मिले तो अभी जो है जो काम अभी हो सकता है वो अभी कर लेते हैं। तो मिलवाती हूँ आपको दीक्षा से। तो यहाँ पर ना बच्चे जो है ना हमारे आराम से बैठ के कार्टून देख रहे हैं और अयान सो रहा है, जैद और तूबा बैठ के कार्टून देख रहे हैं। जब मैं घर पर आई थी तब अयान जाग रहा था, थोड़ी देर जैसे ही अयान से मिली फिर वो रोने लग गया, सो गया, और जैसे ही वो सोया ये दोनों उठ गए। और गाइस आज ना मैंने बच्चों के लिए दवाई मंगवा ली है फाइनली, ये वाली होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया वाली जो मेडिसिन है वो मंगवा ली है। और ना आप कमेंट करके बताना, यहाँ पे लिखा है कि दो बार देनी है, मतलब कि मैं ऐसे सोच रही हूँ जैसे अयान तूबा जैद है तो तीनों को एक 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 दूं, ठीक है, सुबह फिर एक 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 दूं शाम को, तो कैसे देनी है मुझे कमेंट करके बताना। दो दो एक बार में देनी है, एक 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 बार में देनी है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, आप बताना। और इससे अगर कोई बेस्ट मेडिसिन है तो वो भी बताना क्योंकि सब लोगों के कमेंट यही आ रहे थे कि यही वाली मेडिसिन देनी है, तो मैंने यही वाली मेडिसिन मंगवा ली है, देख लो आप सही मंगवाई है कि नहीं मंगवाई बता देना। हमेशा नई लुक, हां बिल्कुल सुंदर लग रहे हो बहुत, शॉर्ट बालों में बिल्कुल ही शॉर्ट करवा दिया, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, बहुत पसंद आ रहे हैं। बट उसने पता नहीं करती है, बट नहीं 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 सुंदर लग रहा है मुझे तो, अच्छा लग रहा है ये लुक आपका। चलो आपकी भी करवा, और हां मैं आऊंगी, मैं पक्का आऊंगी करवाने के लिए, कुछ डिफरेंट ही लुक करूंगी, बाल थोड़े और छोटे कराऊंगी, जितने छोटे हैं उससे भी छोटे, बहुत सुंदर से लुक करवाऊंगी। हाँ। मैं करवाऊंगी खुद साथ जाकर। हां दीक्षा, ठीक है दीक्षा अच्छे लुक लेती है हमेशा ना। हाँ। और हम ऐसे लल्लू वाले, हम ऐसे लेते हैं लल्लू पल्लू वाले, एकदम लल्लू पंजू लग रहे हैं आज। नहीं 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 बहुत स्मार्ट हो गए अब तो, दोनों पहले से बहुत ज्यादा, पहले भी थे बट अब और ज्यादा। पर पायल तो लुक लाइक अ स्कूल गर्ल, चीकू के साथ जाती है ना आजकल, चीकू बड़ी बहन है। आप कॉलेज गर्ल, तो यहाँ पहले अंखियाँ को साफ कर लेते हैं क्योंकि अंखियों के झरोखे में अब नकली पल के लगने वाली है, इसलिए मेकअप उतार दिया है। देखो ये मेरे राज है, सुंदर दिखने में। और यहाँ पे गोलू की बफिंग शुरू हो गई है, बच चुके हैं सात। सो जा पायल, सो रही है घंटे के लिए, सो रही है पायल, ठीक है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट एवरीवन। तो यहाँ पे ना नेल्स जो है आर्टिफिशियल वाली नेल्स लग चुकी है, अभी इनकी कटिंग होगी, बफिंग होगी, सब कुछ होगा। मैं ऐसे सोच रही हूँ अगर इतने लंबे नेल्स हम कराए तो क्या होगा हमारा। दीक्षा के देख ले, दीक्षा के तो हमेशा लंबे नेल्स होते हैं, दिखा दो जरा। दीक्षा को छोटे रखने अच्छे लगते हैं, मैं छोटे रख के मेरा बीपी बढ़ जाता है। किसी किसी को आदत होती है अगर लंबे नेल्स नहीं होते ना टाइपिंग वाइपिंग नहीं होती, काम नहीं होता। तो यहाँ पर ना मैंने जो अपनी लेंथ है इतनी रखी है जितनी मैं ऑलमोस्ट रखती हूँ, थोड़ी सी उससे शायद बड़ी है हल्की सी, और शेप करवा रही हूँ मैं कॉफिन कॉफिन कॉफिन, ठीक है। बाकी मैं एक्सटेंशन का जो कलर है ये सब कॉफिन होता है ना, जिसमें वो पहले के जमाने में मम्मी सोती थी। हाँ वो तो कफिन होता है, दाबूद दाबूद ये कर रहे हैं वाली बात, जिसमें मम्मी मूवी आती थी पूरी व्हाइट कलर के लपेटे में, पर हमें बचपन में डर लगता था। तो हम लोगों ने ना अपनी पैकिंग दोबारा से अनपैक करके दोबारा पैकिंग करी क्योंकि ना हम लोगों ने बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा रख लिया था, क्योंकि नीतू से बात हुई, नीतू कह रही दीदी मैं 5 से 6 जोड़े रख रही हूँ, तो हमने कहा हम भी 5 से 6 जोड़े रखते हैं। तो आगे हमारे नए सूट आए थे तो वो भी रखी है, साथ ही साथ मैंने पहने अपनी जीन्स वार्मर्स
अभी भी दो चार चीजें जो रह गई है ना वो भी रखनी है। तो अभी ना मैं और दीक्षा बातें कर रहे थे कि पहले के बच्चे ना बड़े सारे कार्टून देखते थे, जैसे नॉडी, शिनचैन, डोरेमोन, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे और भी बहुत सारे थे, ऑगी एंड द कॉकरोच। पर पहले शिकू भी देखता था ऑगी एंड कॉकरोच, पर अब क्या आजकल के बच्चे अलग कार्टून नहीं देखते। हम कितना देखते थे, मैं दो चीजें बहुत देखती थी, एक तो डोरेमोन, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके बैक टू बैक एपिसोड। टॉम एंड जेरी देख लो कितना ट्रेंड है, आजकल के बच्चे देखते ही नहीं आजकल के बच्चे। एक वो सुअर वाला आता था, पूरी सुअर की फैमिली होती थी, पेपा पिग। नहीं 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 वो नहीं, एक बहुत पुराना नेशनल पे आता था वो, जो बच्ची थी। चैनल भी तो कार्टून नेटवर्क एक ही होता था। तो गाइस भैया ना कब से क्यूटिकल्स निकाल रहे हैं, मैंने पूरा हिसाब लगाया, मुझे लग रहा है आधा एक किलो निकले होंगे क्यूटिकल्स। इतने सारे की है भैया, बहुत सारे क्यूटिकल्स निकले जा रहे हैं, कब से देख रहे हूँ, निकाले जा रहे और निकले जा रहे हैं। क्योंकि हम ना हम लोग कराते नहीं ना, मैं और पायल को टाइम ही नहीं मिलता, ना पेडिक्योर ना मैनिक्योर कराने का टाइम मिलता है। एक्सटेंशन भी आज ये लगा लो तीन चार महीने तो हो गए, जब मेरे गाने का शूट था ये कच्ची यारी, तब कराए थे एक्सटेंशन। उसके बाद दूसरी करी थी आज, परमानेंट वाली एक्सटेंशन। हाँ उस दिन भी मैंने टेम्परेरी, बट वो टेम्परेरी भी गाइस मेरी इतने ज्यादा स्टे था ना, सच में इतना ज्यादा स्टे था, कम से कम भी नाना करते करते डेढ़ महीने सही चले थे मेरे नाखून। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है की पायल सो रही है, कुछ काम करते हैं, पायल को मैं चेक करती हूँ। यार पायल ना बहुत ही बड़ी ना लेजी लड़की है, बहुत मतलब सच में बड़ी कामचोर है, बिल्कुल भी ना कोई काम नहीं करती, बस ऐसे पूरा दिन मुझे ऑर्डर देती रहती है। मन तो करता है एक थप्पड़ दूं, पर दे नहीं सकती ना यार, बड़ी है। अगर मेरे सामने आ जाए ना एक बार तो बताऊं उसको। पायल ना बहुत ही गंदी है, पायल एक नंबर की चलाक लड़की है। गाइस सच में बेचारी सच में सो गई, देखो इसका सोना बनता भी है, हम लोग सुबह आपको पता है 7:30 उठते हैं, और उठने के बाद ना बिल्कुल भी नहीं सोए, क्योंकि मैं चली गई थी जिम, पायल ने करी पीछे से पैकिंग, जिम से आए 11 बजे, नहाए धोए, उसके बाद चले गए शूट पे, शूट से आए, शूट पे आने के बाद घर पे आके चाय पिए, लगा लो आज सुबह से रोटी खा के भी नहीं देखी क्या होती है, नहीं खाई। वहां पे शूट पे ग्रिल सैंडविच और मैंने ग्रीन टी और कॉफी ली थी, उसके अलावा पायल ढोकला लेके आई थी, थोड़ा सा ढोकला खाया था। तो गाइस आज पहली बार इतनी ज्यादा खुल के बुराई करी, ऐसे मेरा मतलब नहीं था बुराई करने का, मैं सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजाक कर रही थी। क्योंकि देखो अगर मस्ती मजाक नहीं होता तो आप लोग हंसते नहीं, तो आप लोगों को हंसाने के लिए मस्ती मजाक करते हैं, और मैं मस्ती मजाक करूं तभी सबका दिल लगा हुआ है। दीक्षा एम आई राइट? बिल्कुल राइट। सो गाइस यहाँ पे आ गई मेरा प्रोटीन, क्योंकि लग रही थी मुझे बहुत तेज की भूख, तो मैंने सोचा कुछ और फालतू ना खाऊं, प्रोटीन पी। तो यहाँ पे कृष्णा आ गया, क्योंकि कृष्णा बहुत देर से सो रहा था, तो कह रहे येलो हैंड चाहिए। ठीक है कृष्णा, कृष्णा भी कराएगा मम्मा की नेल एक्सटेंशन में हेल्प। ये देखो अपनी नेल दे रहा है आगे की, आप नहीं करा सकते बॉय हो, मैनिक्योर कराते हैं बॉयज, ठीक है, मैनिक्योर हो जाएगा, ड्राई मैनिक्योर। हाँ पापा भी कराते हैं ना मैनिक्योर, आप भी करवाना मैनिक्योर, ठीक है। पेडिक्योर करवाना है तो पेडिक्योर करवा दूंगी। खराटी ले रही है पायल, मेरे को आवाज ऐसे थोड़ा सा ऐसे मैंने सुना अभी, एक मैं थोड़ा ध्यान लगाती हूँ। मम्मा खराटी ले रही, मम्मा नहीं आ रही अब। कैसी आई नींद बाबू? अच्छी आई। हाँ मेरा बच्चा सो गया था, हाथ भी सो गया था मेरा। आज वाला जो व्लॉग है ना पायल, ये मत देखियो। मैं व्लॉग देखती नहीं, ये व्लॉग नहीं। क्या लक्ष्य को बोलू? उसको बोल खाना खिलाएगी। लक्ष्य चली गई, लक्ष्य गई है बाल सेट करवाने। तू कहाँ जाना है उसको, बारात में जाना है क्या? मुझे नहीं पता कहीं जाना होगा, लक्ष्य बाल सेट कराने के लिए गई है, और अयान को टोपी पहना के लेके गई है। अयान को लेके गई है? हाँ। तुम पिटोगे मेरे से? क्यों? ठंड है बार। टोपी पहना के कंबल लेके गई है। तो गाइस अयान बिल्कुल कवर होके गया है, ब्लैंकेट लेके गया है मोटा वाला, साथ में मोटी टोपी पहन के गया, नीचे वॉर्मर पहना हुआ है, सॉक्स पहनी हुई है, और वो बिल्कुल मतलब ठीक है। अयान को ना घूमना बड़ा पसंद है, वो पैदल गई है ना गोलू? हाँ वो पैदल गई है। तो नीचे कितनी ठंड है, वापिस बुला लूं? छोड़ अब चलेगी, कोई नहीं, थोड़ा उठ जाऊं क्या? थोड़ा उठना बस, आंखें ना खोल। कॉफी वॉफी पी लूं क्या? ये कौन है इतनी जोर से चिल्ला रही है? ओए गुगी, मैं इतना अच्छा सोई थी, की 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 करके नींद खोलती मेरी, अच्छी वाली सॉरी थी मैं। अभी तो उसको पता नहीं है की क्या क्या भैया के बाल पाड़ रहे हैं। बेटा आपके बाल नहीं है तो आप चिड़ोगे क्या? अभी आ रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं ना, इनके बाल मत पाड़ो, पकड़ो पकड़ो। 20 मिनट और सो जाते मेरी आईलैश हो जाती, अब मेरे से रहा नहीं जाएगा। मैं तेरे लिए पोएम गाती हूँ। सोचा प्यारी गुड़िया निंदिया की ओर बढ़ चल, गुड़िया रानी। अब तो मेरा आंख बंद करने का भी मन नहीं कर रहा तेरी लोरी सुन के। एक काम कर अब, नहीं देखो आंख बंद करके पता नहीं करना, तेरा टास्क है ये कि देखो हाथ से पता करना है कौन सा बच्चा कौन सा है। ठीक है अभी लेके आती हूँ, जैद को देना एक बार, जैद को देना। ये तो कोको जैद यही है। लाओ एक मिनट रुक तो जा, हाथ दे दो बाबू। लाओ ये देखना, ओ वेरी गुड, ध्यान से गिरना छोड़। लो बच्चा गिर जाएंगे, बच्चा पकड़ एक बार, मेरे हाथ के
पफी नेल्स हो रहे हैं। मेरी बेटी छोड़ी मुझे कौन है? बाबू शुंदा। ये कौन है? मेरा सुंदर बाबू लशनिया जैद मलिक। तू पाम अरे ये तो बता ही देगी जब मैंने कहा यान गया हुआ है। ला मैं आदमियों के हाथ पकड़ के बताऊं कौन सा किसका है। आदमियों के यहाँ जितने आदमी है। आर्या मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? बुरा तो नहीं मानेगी? क्यों मानूंगी? मेरी कसम खा पहले। Shut up. पूरा तो नहीं मानेगी। मैंने तेरी सारी बात सुनी है। पायल कितनी गंदी है, ये वो है, सब सुना है मैंने। मैं जागी हुई थी। ये मैं एक प्रैंक था, कैसा लगा? ये मेरा ट्रैप था, मैं तेरे को जाले में फंसा। जब मेरी आंख खुलेगी तब बताओगी कैसा प्रैंक था। अब तो 5 मिनट कम हो गए, 5 मिनट में बैठी थी। सो गाइस मैंने अपने कॉर्नर को ना बिल्कुल सॉफ्ट करवा लिया, क्योंकि भैया ने जब किया था मैंने दोबारा करवाया, क्योंकि क्या ना बच्चों को पकड़ना होता है, मैं नहीं चाहती उनको हल्का सा भी चोट लगे, और सॉफ्ट कॉर्नर ठीक भी रहते हैं। मेरे हाथ वाथ अपने मुंह पे ऊपर लगेंगे ना तो फिर मेरे को भी चोट लग जाएगी, क्योंकि मेरे साथ क्या है, मेरे को चोट लगती रहती है अक्सर। तो यहाँ पे एक्सटेंशन जो बोर्ड है वो लग चुका है, और बस अभी क्या नेल पेंट जो है वो लगवा रही हूँ, और कुछ डिफरेंट सा करवा रही हूँ मैं और पायल। बहुत ही सुंदर सा न्यूट सा करवा रहे, दीक्षा ने पसंद किया था, मैंने फोटो नहीं देखी थी, बट फोटो देखी ना बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्लासी सा। तो जब होगा ना तब दिखाती हूँ, पहले फोटो नहीं दिखाऊंगी। जैसे ये तक नहीं पता ये मैंने सिलेक्ट किया है, दीक्षा ने मुझे ऑप्शन भेजे थे उसमें से मैंने सिलेक्ट किया था। ओ आई एम रियली सॉरी पायल, आई अपोलोजाइज फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट टूडे। हाँ यस श्योर। और जो मैंने बोला वो भी तू मुझे माफ कर दियो, मैं सिर्फ एक ट्रैप कर रही थी तेको। ट्रैप क्या होता है? कि मैं तेको जाले में फंसा रही थी अपने, तू फंस गई। थोड़ा लेट बताया मैंने उसको तब। तेरी इंग्लिश बड़ी खराब होती जा रही है। वेरी डर्टी। वेरी डर्टी। इंग्लिश बोलती नहीं ना? इंग्लिश बोलती नहीं आजकल तो, इसलिए थोड़ा बीच में मेरा फ्लो टूट गया है। तो गाइस मेरी आईलैशेस हो गई है बहुत ही ब्यूटीफुल, और सच में मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, देखो मेरी आंखें। बोल अब क्या कह रही थी तू? मैं जब सो रही थी क्या कह रही थी? इधर थोपड़ा दिखा तेरा, इधर कुछ बोला ही नहीं। मैं ये कह रही हूं इधर तेरा थोपड़ा दिखा। मैंने क्या कह रही थी? बोला अभी रुक जा मैं वो गाइस वाली क्लिप अभी मैं दोबारा सुनती हूँ। देखो थोड़ी नींद में थी मैं, पर मेरे जो आंखों के पट थे वो खुले हुए थे, कान के पट खुले हुए थे, आंखों के पट बंद थे, पर मेरे को कुछ ऐसा सुनाई दे रहा था कि दिल करता है कभी इसको मैं मारूं और ये बहुत गंदी है, ऐसा ऐसा कुछ सुनने का आ रहा था मेरे को। तो बैग जाके मैं वो क्लिप सुन के आती हूँ, फिर आपसे मिलती। तो यहाँ पे तूबा आई है, कह रही मम्मा अपनी लैशेज दिखा दो और मेरी भी करवा दो। तो मैंने बोला बेटा तूबू मेरी बात सुनो, आपकी लैशेज तो ऑलरेडी इतनी प्यारी है, पापा की और तीनों भाइयों की तो बहुत अच्छी लैशेज है, आप लोगों को कराने की जरूरत ही नहीं है। कह रही है इस उंगली पे नेल्स करा दो। अभी नेल पेंट लगवा देती हूं। कौन सी उंगली पे करवानी है? ये थी तुबा की आवाज पीछे से। तो गाइस फाइनली मेरे नेल्स हो गया डन, और ये वाले नेल्स पायल ने पसंद किए थे, मुझे नहीं पता था जैद, मुझे लगा दीक्षा ने करी, आई एम रियली सॉरी। आप बताओ नेल्स कैसे हैं? हाउ इज द नेल्स? इट्स गुड। ये तो स्टोन उतारने की कोशिश कर रहे हैं नेल्स में से। नहीं बेटा थोड़े दिन तो चलने दो। तो ये नेल्स हो गए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और मैंने और पायल ने बिल्कुल सेम करा रहे हैं, पहली बार इतने सिंपल सोबर कराए। मैंने दीक्षा को बोल रही नहीं दीक्षा यार थोड़े लाइट लग रहे हैं, कुछ और भी लगवा लूं। दीक्षा बोलती कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा बेसिक कराओ, अगली बार हम एडवांस करेंगे, क्योंकि एडवांस तो हम करते रहते हैं ना, हैवी चीजें तो करते रहते हैं, बट इसकी गेटअप अलग आ रही है। तू मुझे बार बार ऐसे कर रही है, दिखा रही है, दिखा रही है मम्मा मेरे भी करा दो, ऐसे बार बार दिखा रही थी। पर मेरे हिसाब से ना इसके नेल्स बहुत अच्छे होंगे दीक्षा, इसके अपने ग्रो बहुत करेंगे, क्योंकि इसके ग्रोथ तो आपकी भी सही हो जाती है। हाँ, पर वो मैंने बीच में ना, ओए गंदी लड़की काट लिया दांत है, दांत है उसका छोटा सा। तो गाइज मैंने लेंथ इतनी रखवाई है गोलू की, जितनी ज्यादा बड़ी लेंथ मेरे से कैरी नहीं होती, और शेप जो है वो गोलू वाली कॉफिन कैफिन कॉफिन कॉफिन रखवाई है, और नेल पेंट और वो सब सेम ही है इस बार हमारा। चीकू तू सो जा नहीं पिटेगा भाई, तुझे हमारे साथ जाना है कि नहीं जाना है? लक्ष्य के ऊपर इल्जाम मत लगा, चल अंदर, चल अंदर सो। गाइस मुझे लगने लगी बहुत तेज भूख, क्योंकि सुबह से रोटी नहीं खाई थी, रोटी खाने की इच्छा नहीं थी, मैंने सोचा एक काम करती हूँ पुलाव को गर्म करती थी, शांति में रहते पुलाव तो खा रही हूँ पुलाव। यहाँ पे तीनों बच्चा पार्टी जाग रही है, चीकू सो गया क्योंकि कल मॉर्निंग में चीकू को स्कूल जाना है, हम लोग निकलेंगे लेट नाइट, तो सोचा चीकू को स्कूल भेज देते हैं, जरूरी है। तीनों बच्चे जाग रहे हैं तीनों, और अभी यहाँ पे मैं इनको थोड़ी देर कार्टून दिखा रही हूँ, और बस इनका खाना बनाते हैं, खाना बना के इनको दलिया खिलाकर फिर एक एक को सुलाते हैं। क्या हो गया भाई? क्या ओए दुदू का ही निकाल दिया, दुदू का ही निकाल दिया, फटा हुआ दुदू निकाल दिया। अरे कहाँ निकाल है, कहाँ निकाल है पता ही नहीं चला। क्या हो गया तुबू? तो दोनों एक बॉटल की लड़ाई कर रहे हैं कि ये बॉटल मेरी, ये बॉटल, एक और बॉटल देना। तो ये लो बेटा, डोंट फाइट, एक आप रखो, डोंट फाइट, आप पीछे हो जाओ, उसको एक से खेलने दो। तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी फुलटी मारते हैं सारे। नहीं उसकी बोतल थोड़ी छीनोगे? नहीं बेटा ये आपकी है, सुबह की है ये। ओ नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, रोल मत बस। हाथ फंस गया, क्या कर रहे बेटा? मैं ठीक करूँ, ठीक।
तो गाइज मेरे हाथ के नेल्स पूरे कंप्लीट हो गए और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। लाइट कलर करवाया है इस बार, पर गोलू से शायद डार्क है मेरा कलर, बस कलर में डिफरेंस है, बाकी डिजाइन बिल्कुल सेम है। बस अब लास्ट मेरे पैरों की पावर पॉलिश रह गई है, पैरों पे फटाफट पावर पॉलिश हो जाए, उसके बाद गोलू को करानी है, फिर हम फ्री। आज दीक्षा हो गई बहुत ज्यादा डिले, हमारा वजह से 10 बजने वाले हैं। तो गाइस हाथों की भी नेल पेंट नेल एक्सटेंशन डन हो गए हैं, पैरों की भी नेल पेंट हो गई है, पैरों में मैंने लगाए गोल्डन कलर के नेल पेंट। तो बस अभी पायल करा रही है वैक्सिंग और रात के 11 बज गए हैं। पायल की वैक्सिंग एक बार डन हो जाए फिर मैं कराती हूँ वैक्सिंग। और ना सच में गाइस इस बार ना मैंने वैक्सिंग 2-2.5 महीने पहले कराई थी, 2.5 महीने से वैक्सिंग कराई, टाइम ही नहीं मिला। मतलब ये लगा लो वैक्सिंग तब कराते जब कोई ओकेजन होता है, जैसे गाने का शूट था कच्ची यारी का, तब वैक्सिंग कराई थी लास्ट, और उसके बाद करवा चौथ आ गया तो फिर जरूरत नहीं पड़ी। फिर अब मैं वैक्सिंग करा रही हूँ क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं और अच्छा नहीं लगता ना वैक्सिंग नहीं है बहुत टाइम से। वो मेरी थ्रेडिंग भी रह गई, थ्रेडिंग तो चिकू के पापा ने बीच में बना दी थी तो बन गई, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी ना बाहर नहीं जाते, जो भी कराते घर पे कराते, वो भी इतना इतना गैप हो जाता है 2-2.5 महीने। तो फाइनली मेरी वैक्सिंग भी हो गई, थ्रेडिंग मैंने कल करा ली थी, फेशियल भी करा लिया था और लैशेज भी हो गई, नेल्स भी हो गए। तो थैंक यू सो मच दीक्षा, तूने इतनी लेट नाइट तक काम करके हमारे को जो है इतना सुंदर बना दिया। तो बस अभी जो है पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ी बहुत छुटमुट हो गई रह गई है जो कि मैं सुबह करूंगी। तो अभी जो है टाइम बज गए हैं पूरे 11। हाँ जी अब उठ गए, इसने शोई शोई करी थी और इसकी शोई शोई हो गई पूरी। हाँ उसकी शोई शोई पूरी हो गई, शोई शोई थी तो। अब अंदर गए ना ये दोनों भाई एक साथ सो रहे थे, अरे देख ले गिग्गा गिग्गा बंद नहीं हो रहा। मेरी उंगली पे नहीं करवाया तुमने ये नेल, ये नहीं करा, बार बार दिखा रही है ऐसी। तो भाई मैंने ले लिया शावर क्योंकि ना मुझे बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली फील हो रहा था, तो नींद नहीं आ रही थी और ऑयल की वजह से गर्मी फील हो रही थी बहुत ज्यादा। तो मैंने और गोलू ने शावर ले लिया, यहाँ पे गोलू भी शावर लेके आ गई है और हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कुछ कमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफी टाइम से हम लोग कमेंट्स पढ़ नहीं रहे थे। तो आप लोगों को भी वेट होगा हमारे टॉक विद कृतिका पे कमेंट्स का कि हम आप लोगों के कमेंट पढ़े। तो बस मैं और गोलू जा रहे हैं, क्विक जा रहे हैं नीचे और कमेंट पढ़ रहे हैं। और एक दो दिन अगर व्लॉग हमारा लेट हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि वैष्णो देवी जी के यहाँ पे ना नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो नेटवर्क की वजह से जो है हमारे व्लॉग शायद ना आए वो पता नहीं, अभी जैसा भी होगा आप लोगों को पता तो लग ही जाएगा। तो बस चलते हैं नीचे। चले गोलू, हाँ चल चल फिर। तो गोलू यहाँ कमेंट्स जो है वो निकाल रही है आप लोगों के, क्योंकि देखो पहले कमेंट निकालने पड़ते हैं उसके बाद नीचे सेटअप करवा के पढ़ने पड़ते हैं, तो कमेंट पढ़ने के लिए भी मेहनत लगती है गाइज। और हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट हमें करते हो और मोटिवेट करते हो। कुछ कमेंट बैड भी आते हैं पर कुछ कमेंट बहुत अच्छे भी आते हैं, तो हम सभी तरीके के कमेंट पढ़ते हैं, ताकि कुछ लोगों का ये भी आता है कि बैड कमेंट्स नहीं पढ़ते हो आप लोग, सिर्फ अच्छे कमेंट पढ़ते हो, तो इसलिए हम दोनों टाइप के कमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है बच्चों के कपड़े जो है रात को अंदर डाल लेते हैं हम, इसलिए अंदर ले लिए हैं। अब इनको जो है स्टैंड पे सुखा के और थोड़ा सा पंखा चला देंगे, वैसे ज्यादा गीले नहीं है, पंखा नहीं भी चलाएंगे तो भी सूख जाएंगे। बोलू लेट मत कर अब चलवाऊ। तो गाइज मैं पहुंच चुकी अपनी हॉट सीट पे, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कमेंट और यहाँ हो रहा है पूरा सेटअप। और ना बीच में मैं एक बात बताती रह गई थी, जब जैद मेरी गोद में था आप लोगों को एक बात बतानी थी कि क्या हुआ, दोनों भाई एक साथ सो रहे थे और सोते सोते ना जैद उठा होगा, जैद ने उठ के ना तकिया रख दिया अयान के मुंह के ऊपर, और अयान के साथ वो तो हम गेट वेट खुला रखते हैं ना, पूरा ध्यान रखते हैं जब बच्चे सो रहे होते हैं, तो हमने देखा कि दोनों बच्चे उठ गए हैं, फिर वो दोनों अब दोनों क्या तीनों सो गए हैं, और जैसे ही वो लोग सो गए हम लोग नीचे आ गए। तो देखो गाइस कितना यहाँ पे सेटअप होता है, इतना सेटअप होने के बाद जो है आप लोगों के कमेंट पड़े जाते हैं, ताकि कमेंट की क्वालिटी भी आप लोगों को अच्छी मिले। और ये गोलू कमेंट निकाल लिए, कितने कमेंट है बाबू? एक मिनट आईफोन गिन रहे हैं। देख के बता रहे हो 32 कमेंट्स पढ़ने वाले हम आज। और अगर हमारे व्लॉग नहीं आए ना तो कमेंट के व्लॉग जरूर आएंगे अरमान मलिक पे या फिर टॉक विद कृतिका पे, वो आप देख लेना। तो अभी हम नीचे कमेंट पढ़ने आए ना तो कह रहे हैं भाभी आप लोग आपको ना बहुत मिस कर रहे थे, 2-3 दिन से ना गोलू भाभी आ रही थी, तो मैं आती हूँ इनको थोड़ा सा ना ऐसे हंसी मजाक कर लेती हूँ उन लोगों के साथ, तो इनको ना अच्छा लगता है। तो अभी बोल रहे भाभी आप नहीं आ रहे थे ना, हम आपको मिस कर रहे थे बहुत ज्यादा। ज्यादातर ना दीपक यहाँ पे नीचे रहता है और हमारे दो एडिटर और निशु भैया वो सब ऊपर आते रहते हैं, पर ये सारा सिस्टम पे काम करता, हमारा फेसबुक पूरा संभालता है। अरे हाँ किसी का एक कमेंट आया था कि पायल को टीबी हो गया है, ऐसे मेरे को कमेंट आया था, ऐसे कौन बोलता है गाइस, कौन बोलता है ऐसे? खांसी नॉर्मल खांसी है मुझे, मैंने पूरा चेकअप कराया था जब मेरी प्रेगनेंसी के बाद मुझे बहुत ज्यादा कफ था ना, तो मैंने वैसे कभी किसी को ना ऐसा बैड कमेंट करना भी नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि ना देखो कभी कभी हमारी बातों पे जबान पे हमारी जबान पे ना कभी कभी सरस्वती बैठी होती है, तो कभी ऐसे किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैं रह गई, हाँ तो फिर ये बच्चे अभी ना मेरा गाजर का हलवे वाला व्लॉग देखा होगा तो कह रहे भाभी आपने खिलाया नहीं, मैंने कहा तुम लोग
लोग ऊपर आए नहीं, तो अभी कमेंट पढ़ने के बाद मैंने बोला ऊपर आ जाओ, हलवा रखा हुआ खा लेना। गोलू क्या बात है, तेरा थोबड़ा चमक रहा है। क्रीम लगा के आई हूँ मैं, क्रीम लगा के नहीं आई गाइस। मैं ऐसे मेरा तेरे से ज्यादा चमक रहा है गोलू, फेशियल का कमाल है। कल हमने फेशियल कितने सालों बाद किया है, लगा लो 1.5-2 साल बाद हमने फेशियल कराया, और फेशियल का कमाल है। फेशियल कौन सा कराया अगर पूछना है ना मुझे, कमेंट करना, मैं बताऊंगी मैंने कौन सा फेशियल करवाया। कल पता है मैं यहाँ पे कमेंट रीड करने आई थी, मैंने बात ना व्लॉग में नहीं बताई ना तेरे को, बताई तू तो सो गई थी उस टाइम, मैं ऊपर गई थी शायद, थोड़ी जाग रही थी, पता नहीं क्या करती जाग रही थी। जब मैं कमेंट रीड करने आई ना तो मैंने ना 1-2 कमेंट रीड कर लिए, केशव मेरा शूट करा था तो उसने ना बीच में कट कर दिया। मैंने क्यों भैया क्या हुआ, कह रहे भाभी यहाँ वो मास्क लगाया था, कह रहे भाभी यहाँ पे सारा व्हाइट व्हाइट चक्कर हो गए। मैंने देखा मेरे तो क्या हो गया, नेचुरल लगे नहीं भाभी, बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है ना कि व्हाइट व्हाइट पपड़ियों पे। फिर मैंने कैमरे से हाथ से आते हैं व्हाइट व्हाइट पपड़ियां लगी हुई थी वो साफ करी, फिर दोबारा कमेंट रीड करे। मोटे वाला मास्क नहीं होता गाइस जो ऐसे पापड़ की तरह निकलता है, वो लगाया था उस हमारे फेशियल में, वो वाला पैक भी था। तो कभी कभी आईलैश कराने से ना, मतलब रेगुलर नहीं रखना चाहिए आईलैश को, कभी कभी कराना चाहिए। अभी मैंने शायद गोद भराई के बाद आज कराया, और गोद भराई को भी हो गया कितने हो गए, फरवरी में 1 साल हो जाएगा ना। हाँ तो मैंने अब लैशेज कराई, पर गोलू ने अभी भी नहीं कराई। गोलू ने कहा मैं अपने बर्थडे पे कराऊंगी। हाँ मैं बर्थडे पे कराऊंगी, मेरा मन नहीं करता, मेरे को लग रहा था कि ना अब मैं कराऊंगी, बर्थडे आ रहा है बीच में, फिर बीच बीच में गैप आ जाएगा, इसलिए मैं एक बार कराऊंगी, या तो बर्थडे पे कराऊंगी या तो बच्चों के बर्थडे पे। पर पता है क्या, हम जो मस्कारा यूज कर रहे थे ना गाइस, उससे सच में सीरियसली बहुत अच्छी लैशेज हो गई थी हमारी। फिर भी मेरा ना काफी टाइम बाद मेरा दिल कर रहा था मैं लैशेज कराऊं, इसलिए मैंने लैशेज कराई। और मुझे सिर्फ और सिर्फ ना दीक्षा के यहाँ की लैशेज ही बहुत ज्यादा पसंद आती है, और नेल्स भी। इस बार नेल्स तो हमने बिल्कुल न्यूड कलर कराया है, देखो फोकस हो रहा है। और पैर पे ना, जैसे हमने पैर का बताया नहीं था दीक्षा को कि हमें पैर पे भी करानी है, तो जो नेल्स के लिए ग्लिटर लेके आई थी ना, वो हमने पैर पे भी लगवाया, पर पैर पे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो गाइस ये जो रिंग आपको दिख रही है ना, ये रिंग गोलू को ना इतनी ज्यादा पसंद है, कब मिली थी तुझे शादी पे? मैं बता देती हूँ, जब इनकी सगाई हुई थी ना चेकू के पापा की गोलू की, तब ये मैं लेके आई थी इसके लिए पसंद करके डायमंड की। आज तक ये संभाल करके, उसका एक डायमंड भी निकल गया, वो बार बार मैं लगवाते हैं मम्मी से, वो फिर निकल जाता है, क्योंकि जो चीज फिक्स होती है ना एक बार निकल जाना, तो फिर वो बार बार निकलती रहती है। कल मम्मी गिफ्ट लेके आ रही है इसका नाक का डायमंड का, अच्छा भी लग रहा है, ये बहुत ज्यादा येलो हो गया, अच्छा भी लग रहा है, लगाई थी ना बहुत सारी, मैं कल निकाल दूंगी इसको। गोलू तेरे पिंपल बैठ गए ना फेशियल से? हाँ पर एक आधा मोटा भी है, नहीं इतना नहीं पता लग रहा, हल्का हल्का लग रहा। तो बस गाइज यहीं बैठ के इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना, और व्लॉग को ना पूरा देखा करो, एंड तक देखा करो। एंड तक हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो इंटरटेनिंग होती है, जो मजा आता है सुनने में भी, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाके सब्सक्राइब भी कर लो। तो बाय बाय गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।